खबर कानपुर से है, जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग ने छात्राओं को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्वचा कल्याण पोषण और महिला उद्यमिता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन आयोजक लोक शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर विनीता सिंह, मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार डॉक्टर पीके उपाध्याय, मुख्य वक्ता डॉक्टर रश्मि वर्मा त्वचा रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर संध्या मिश्रा शिक्षिका दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस दौरान डॉक्टर रश्मि वर्मा ने स्वस्थ त्वचा और पोषण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि अच्छे पोषण का सीधा प्रभाव व्यक्ति की त्वचा पर पड़ता है। उन्होंने हमारे आहार में विभिन्न विटामिनों के महत्व को समझाया और कहा कि विटामिन त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। चूंकि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी घर की महिलाओं की होती है, इसीलिए हम महिलाओं को पोषण आहार के बारे में जानकारी देकर पोषण संबंधी विकारों से बच सकते हैं। वहीं डॉक्टर संध्या मिश्रा ने स्वस्थ त्वचा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित आहार, उचित नींद और स्वच्छता के महत्व को भी समझाया। मुख्य अतिथि कुल सचिव डॉक्टर पीके उपाध्याय ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताते हुए विद्यार्थियों को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही शिक्षकों के संगठनात्मक कौशल की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रम जारी रखने को कहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।